अभी हमें दिल्ली के बुराड़ी में, जहां पे इंडियन पावर लिफ्टिंग फाउंडेशन की तरफ से एक छोटा सा ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर हम बात करें इंडियन पावर लिफ्टिंग फाउंडेशन की, तो इसकी स्थापना काफी समय पहले की गई थी। हमारे साथ हैं पावर लिफ्टिंग फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजर हैं, जो कि बहुत ही कुशलता से काफी समय से इन छोटे छोटी परियोजनाओं को लेकर आगे आए और छोटे छोटे बच्चों को अगर कहा जाए ट्रेंड किया और नेशनल स्टेट से लेकर नेशनल तक लेकर आए हैं। हम बात करते हैं सर। नमस्कार। नमस्कार सर। अगर मैं बात करूं इंडियन पावर लिफ्टिंग फाउंडेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका हमारा हेड ऑफिस जमशेदपुर झारखंड में है, वहीं से इस पूरे इंडिया में इसका संचालन किया जाता है। जैसे आपने कहा 1975 से ये फाउंडेशन काम कर रही है, अब तक हम बात करें कितने स्पोर्ट्स में ऐसे बच्चे हैं जिनको आपने मुकाम दिया? हर स्टेट में हमने बच्चों को जॉब्स दिलवाई हैं आईपीएफ के द्वारा, रेलवे, बीएसएनएल, ऑल इंडिया पुलिस, सेक्रेटरीट्स, टैक्स डिपार्टमेंट्स, इन सब में आईपीएफ के द्वारा पावर लिफ्टिंग में एक यही फेडरेशन है जो गवर्नमेंट जॉब्स दिलाती है। अगर हम बात करें, आपने जैसे कहा गवर्नमेंट जॉब दिलाते हैं, सरकार की तरफ से क्या लगता है, कुछ कभी आपको कुछ सहयोग हो पाया है? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने हमें हमेशा सहयोग किया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, सारे वहाँ डिपॉजिट होते हैं और उनकी तरफ से जो सहायता हो पाती है जरूर वो हमारी सहायता करते हैं। इस बार जो आपका यहाँ पे जो मैच हो रहा है, जो बच्चे परफॉर्मेंस करने आए, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने राज्यों से बच्चे यहाँ पे आए हैं? 16 राज्यों से यहाँ पे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। टोटल एथलीट्स माने 625 एथलीट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। यानी कि अगर बात करें 600 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अगर उनकी उम्र की बात करें तो उन बच्चों की क्या उम्र है और क्या आप किस तरह से उनको किस कैटेगरी में लाते हैं? हमारे यहाँ पे कैटेगरीज बांटी जाती है, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर एंड मास्टर 1, 2, 3, इस कैटेगरीज पे हमारे यहाँ पे बांटी जाती है और उन्हीं का ही हम कॉम्पिटिशन है वो करवाते हैं। अगर मैं बात करूँ, जैसे हम लगातार जूनियर्स हैं या उस कैटेगरी में आप रखते हैं, क्या इसमें कोई उम्र भी है या? उम्र के हिसाब से ही कैटेगरी सेट की जाती है। जैसे कि सब जूनियर है, इस पर 18 साल का बच्चा तक खेलता है, उसके बाद 23 साल की उम्र तक का बच्चा जूनियर में खेलता है और उससे ऊपर सीनियर कैटेगरी में खेलता है। उनका प्राइस सेरेमनी उसी के अकॉर्डिंग होता है और उनका कॉम्पिटिशन भी एज कैटेगरी होती है उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर बात करें इस बार ऐसे कितने बच्चे हैं जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में आए हैं और क्या क्या परफॉर्मेंस रही उनकी? परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है, उम्मीद से ज़्यादा ही अच्छी हमें परफॉर्मेंस मिली है। बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। ऑलमोस्ट जो पहले 100 केजी तक लिफ्ट करती थी, आज के डेट में 135 और 140 तक उन्होंने लिफ्ट किया है। बाकी हमारा रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, आप सबके सामने प्राइस सेरेमनी भी जल्दी ही रखेंगे हम। यानी वही बात होगी, एजुकेशन में भी महिलाएं फर्स्ट हैं और स्पोर्ट्स में भी महिला फर्स्ट होती जा रही हैं, यानी कहीं ना कहीं पुरुष पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुरुष से आगे गर्ल्स निकल रही है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि पुरुष पिछड़ते जा रहे हैं। अच्छा, एक बात पूछ रहा हूँ मैं, जैसे कई बार आपके सामने भी कई ऐसी समस्याएं आती होंगी कि बच्चे कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, मगर कहीं ना कहीं फाइनेंसली या परिवार की तरफ से कमजोर हो जाते हैं, उसमें कैसे सपोर्ट हो पाता है? बिल्कुल, अक्सर हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, इवन हर स्टेट चैंपियनशिप में, हर नेशनल चैंपियनशिप में। तो इसीलिए हमने हर स्टेट में इंचार्ज बनाए गए हैं। वो इंचार्ज तय करते हैं कि ये अगर मीडियम वर्ग से नीचे के बच्चे हैं तो वो उनको सहायता करते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं और उन्हें FOC फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लाके उनको खिलाया जाता है, कोई उनसे चार्ज नहीं लिया जाता है। इस बार जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे आए हैं या जो अलग अलग राज्यों से बच्चे आए हैं, क्या उन बच्चों का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा, क्या उनसे शेयर हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। अभी हमारे एथलीट्स यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़ी देर में प्राइस सेरेमनी होने वाली है, आप जरूर उनसे पूछिए, वो अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे और मैं आशा करता हूँ अच्छे ही फीडबैक्स आपको मिले। कट करने का क्या नाम बताया था आपने? ललित कुमार जी। ये थे हमारे साथ ऑर्गेनाइजर ललित जी, जिन्होंने बहुत ही कुशलता से बताया कि 16 राज्यों से ज्यादा बच्चों ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया था और जो अच्छे परफॉर्मेंस लेके आए और 600 से ज्यादा बच्चे दिल्ली में आए थे। अगर बात करें भारत के अलग अलग राज्यों से आए बच्चों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना परचम लहराया, मगर बात वही रही, महिलाएं यहाँ भी आगे रही, नारी शक्ति ने भी अपना दम दिखाया। कैमरा पर्सन वैभव के साथ विनोद रस्तोगी, देश से दिल्ली। इंडियन पावर लिफ्टिंग फाउंडेशन की तरफ से जो 16 राज्यों के बच्चे दिल्ली में नेशनल खेलने आए थे, उनमें हमारे साथ उत्तराखंड से हैं अर्जुन जी। अर्जुन जी नमस्कार। नमस्कार अर्जुन जी। अगर हम बात करें, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि देव सर्वप्रथम मानी जाती है, आज इस पावर लिफ्टिंग फाउंडेशन में जो बच्चे पार्टिसिपेट करना, उत्तराखंड से कितने बच्चे आए हैं? हमारे तकरीबन आज 80 से 85 पूरे खिलाड़ी हमारे प्रतिभाग कर रहे हैं इस चैंपियनशिप में, और जिसमें सबसे ज्यादा अधिक
हमारे स्वर्ण पदक आए हैं खिलाड़ियों के, रजत पदक भी हैं और साथ में ब्रॉन्ज भी, और उम्मीद है कि हमारी चैंपियनशिप भी आ सकती है आज हमारी उत्तराखंड की इस पूरे नेशनल चैंपियनशिप में, जिसमें कम से कम 500 से भी अधिक खिलाड़ी इस वक्त जहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं। बाकी देवभूमि है तो हमेशा ही हम जीतते आए हैं और इस बार भी जीतेंगे बेशक। उत्तराखंड में पांच डिस्ट्रिक्ट मैन माने जाते हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट से कितने कितने बच्चे हैं? सबसे ज्यादा देहरादून डिस्ट्रिक्ट से आए हैं लगभग 35 प्लेयर, उसके बाद में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से आए हैं लगभग 15 से 20 प्लेयर, वहां से भी हैं, बाकी रुद्रपुर से हैं और आपके हल्द्वानी से जो उधम सिंह नगर में आता है। अगर हम बात करें तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड या गोल्ड मेडल वगैरह? अभी क्या है, रिजल्ट अभी पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, बस थोड़ी देर में यही प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा तभी सभी को सरप्राइज मिलेगा कि किसका गोल्ड है किसका सिल्वर है। लेकिन हमें उम्मीद है, यहाँ तक हमने जब गेम करवाया है हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे काफी अच्छे 15 से 20 या 30 गोल्ड आ रहे हैं। अर्जुन जी मैं एक बात छोटा सवाल पूछूंगा, कई बार आपके साथ भी कई बार ऐसा होगा बहुत से बच्चे लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कोई अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली या परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता, उसमें ऐसे कैसे आप लोग सपोर्ट कर पाते हो? हम लोग बच्चों को एक तरह से इनको फिजिकली मतलब लाइक उनको हम काउंसलिंग भी करते हैं, लाइक उनको मेंटल काउंसलिंग करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप सीखो इस फील्ड में आगे चलो, साथ में जॉब भी करते रहो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में क्यों ना हो, जिम एक्सरसाइज ट्रेनर। उसके अलावा हम लोग बच्चों को ये भी कहते हैं कि साथ में आप न्यूट्रिशन का भी कोर्स करो प्लस गेम खेलते रहो, जितने अचीवमेंट्स आएंगे हो सकता है आगे जाके आपको गवर्नमेंट के अंदर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिले, और कईयों को मिली है। मैं खुद उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ और मैं खुद स्पोर्ट्स कोटे पावर लिफ्टिंग से ही भर्ती हुआ था, तो अभी इस तरह से भर्तियां पुलिस में भी आने वाली हैं उत्तराखंड पुलिस में, और तो वहां पर हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे वीरता खिलाड़ी होंगे उत्तराखंड के, जब भी फॉर्म आएगा भर्ती का तो वो उस फॉर्म को भरेंगे और निश्चित उनकी जॉब के चांस लगेंगे। आप अपने आने वाले जो भावी खिलाड़ी हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, एक विश्वास रखिए अपने ऊपर, और जितना हो सके लाइक स्पोर्ट्स की जो लाइफ है हमारी उसको आप एंजॉय कीजिए। जीतना हारना आपको स्पोर्ट्स सब कुछ सिखाता है, हर चीज़ सिखाता है आपको, गिरना उठना, तो आप जिंदगी में एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो जिंदगी की सारी कठिनाइयों को भी पार कर सकता है, हर तरह के किसी भी जिंदगी में किसी भी समस्या को वो सॉल्व कर सकता है। स्पोर्ट्स का ये फायदा है, और स्पोर्ट्स को आप खेलो, पावर लिफ्टिंग में आप जुड़ो, पावर लिफ्टिंग में आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है, जॉब्स अच्छी हैं, कैरियर भी अच्छा है, और गेम भी बहुत ज़्यादा फेमस है आज। तो मैं कहूँगा कि इस हमारे फील्ड में जितने भी हमारे बाकी जो फील्ड्स हैं बॉडी बिल्डिंग और दूसरी चीज़ें वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है इस वक्त इंडिया में, तो नंबर 1 ही है। ये थे हमारे साथ अर्जुन जी जो उत्तराखंड से आते हैं, और उन्होंने बताया कि उत्तराखंड से आए हुए 80 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें से सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लाने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ विनोद रस्तोगी, देशित दिल्ली। जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले उत्तराखंड से आए हुए अर्जुन जी से मिले, अब हमारे साथ हैं राकेश तिवारी जी जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश से। अगर बात करें उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति के गलियारे में भी वहीं की पैंट होती है। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से इस बार कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? सर लगभग हमारे यहाँ 36 पुरुषों ने सब जूनियर और जूनियर वर्ग में, और 18 लड़कियों ने प्रतिभागिता की है, और उत्तर प्रदेश के बच्चों ने जो अभी रिजल्ट कुछ ही क्षणों बाद हम लोगों के सम्मुख होगा तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और संभवतः कई वर्षों से हम चैंपियनशिप ले जा रहे हैं, और इस बार भी दिल्ली की राजधानी से ये आशा है कि हम अपने बच्चों के अथक मेहनत से जो हमारे गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल आता है उसके अकॉर्डिंग चैंपियनशिप हमारी बनती है, तो संभवतः ईश्वर की दया होगी तो चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ले जाए। राकेश जी एक बात पूछूंगा, 49 साल जैसा लंबा समय हो गया है आपको पावर लिफ्टिंग कराते समय, क्या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सर पहले तो पावर लिफ्टिंग हमारी जब 1975 में आई तो हमारे गुरु और महागुरु मैंने देखा कि वो पहले तो बहुत इक्विपमेंट का अभाव था, और उन दौर में उन्होंने किया, और फिर धीरे धीरे हमारा गेम नॉन ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलेटेड हुआ, नॉन ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलेशन के बाद में धीरे धीरे खेल निदेशालय में हुआ, तो जब लोगों ने खिलाड़ियों ने मेडल देना शुरू किया तो सारे विभागों में धीरे धीरे जॉब्स निकली और लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया, जैसे रेलवे हो गया, BSNL हो गया, MTNL हो गया, ITBP हो गया, और यहाँ तक का कि माध्यमिक शिक्षा परिषद में भी फिजिकल एजुकेशन के टीचर भरे जाने लगे, सारे विभागों ने हमारे पावर लिफ्टिंग को, पुलिस में गेम्स में आ गया, स्कूल गेम्स ऑफ इंडिया में आ गया, तो धीरे धीरे आते रहे और हमारे यहाँ मेडल देते रहे, तो गुरुओं की गुरुवाई में हम लोग देखते देखते हम लोगों ने भी तैयारी की, आज भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मैं भी बड़े हर्ष के साथ बता रहा हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के अभी 2 नौनिहालों ने ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी में मेडल दिया, जिसमें फैजाबाद यूनिवर्सिटी से
आर्या सिंह बच्चे ने दिया हमारे यहाँ ब्रॉन्ज मेडल, और मनीष कुमार लखनऊ यूनिवर्सिटी से उसने सिल्वर मेडल दिया है, जो मनीष कुमार यहाँ आया हुआ भी है, और दोनों बच्चों ने ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी में मेडल दिया। और अभी हाल ही में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की बच्ची जिनके पिताजी इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी है धीरेन्द्र सिंह और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी, उनकी बच्ची ने हाल ही में अभी महाराष्ट्र रेलवे में हमारी इस फेडरेशन के खेल के माध्यम से ही ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से अभी जॉब हासिल करी है पिछले मार्च में। जैसे पावर लिफ्टिंग की बात करें, आपने देखा होगा हमने बहुत बड़ा क्रेज देखा है कि अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो लोग क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी जैसे स्पोर्ट्स ज़्यादा भागते हैं, तो पावर लिफ्टिंग में उसमें लगभग जो युवा पीढ़ी है कितना इंटरेस्ट लेती है? सर देखिए, जो जिन खेलों का आपने बात किया वो कहीं ना कहीं क्लाइमेक्स वाले खेल हैं, और जो टीम वर्क होते हैं, टीम खेल होते हैं, वो जो दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है, वो दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं ये पैसा गेनिंग, हम क्रिकेट को तो एक तरीके से बहुत खेल में नहीं शुमार करते हैं, अन्यथा न लेने की जरूरत है, हमारे भी बच्चे खेलते हैं, हमारे भी गुरु खेलते हैं, वो ओलंपिक का खेल नहीं है, ओलंपिक में शामिल नहीं है, तो उसको हम ब्रिटिश काल की दी हुई एक है और वो रिक्रिएशनल खेल है, सब कुछ है। ओरिजिनल खेल हमारा फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, कबड्डी है, खो खो है, एथलेटिक्स है, और हमारी वेट लिफ्टिंग है, ऐसे ही पावर लिफ्टिंग है, बहुत ही टेक्निकल, बहुत बारीकी से और बहुत दमखम का खेल है, तो उसको लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, सारे खेलों से तुलना करी जाए तो पावर लिफ्टिंग का क्रेज बहुत अच्छा हुआ है और अच्छा होते चले जा रहा है। हाँ, कुछ लोग जरूर पथभ्रमित करने का कुचक्र रच रहे हैं, लेकिन इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन अपने सतत और अपने नियमित तरीके से ऐसे बराबर सारी चैंपियनशिप करा रहे हैं और बच्चे नित नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। काफी लंबा अरसा दे गया, 49 से ऐसा लंबा साल का लंबा सफर रहा, अगर बात करें तो जो अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए प्रतिभावी आएंगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो मैं देना चाहूंगा कि जो 49 साल का इतिहास है, अपने गुरुओं को देखें, अपने जो वयोवृद्ध है, अपने सेक्रेटरीज को देखें कि वो किन ऊंचाइयों पे, किन मुकाम में पहुंचा हूं। मैं भी इस पावर लिफ्टिंग की ही देन है कि मैं 2004 में, मैं 23 साल की उम्र में, मैं पावर लिफ्टिंग से ही मैंने बीपीएड का, एमपीएड का, फिर मैंने एमफिल की, और बेसिक शिक्षा परिषद में मैं नौकरी पाया, इस खेल की ही देन है। तो कहीं ना कहीं हमसे हो गए, हमारे सीनियर हो गए, मैं भी अपने सीनियरों को देख के मैंने भी शुरू करी थी, फिर बाद में मैं जॉब में रहते रहते मैं इंटरनेशनल भी हुआ, और मैं आज की डेट में रेफरी भी हूँ, और नित नई सारे बच्चों के साथ मेहनत भी करने का प्रयास करता हूँ कि जिस भी विभाग में जहाँ भी जॉब्स आएँ उसका पावर लिफ्टिंग का आप ट्रायल दीजिए, आप अच्छी मेहनत करिए और उस विभाग में जाएँ। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि जो कल को बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, मेडल ला रहे हैं, तो उनको एक दिशा और कहाँ पे कैसे वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है, कैसे उनको मिलेगी, उसका हम लोग भरसक प्रयास करते हैं कि बच्चे को ला। ये थे हमारे साथ राकेश जी, जिन्होंने बहुत ही कुशलता से बताया कि अगर बच्चे भविष्य देख कर आगे आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। कैमरा पर्सन वैभव प्रसाद, विनोद रस्तोगी, देसित दिल्ली। अभी हम थे उन भारतीयों के साथ जिन्होंने कहीं ना कहीं इस फील्ड में इतिहास रचा, अब हमें उन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में जो इस कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से आए हुए एक प्रतिभावी जिसका नाम है रीना। क्या नाम है आपका? रीना। रीना, जैसे कि आप उत्तराखंड से आए हैं, क्या लगा आपने जो इंडियन फाउंडेशन, जो पावर लिफ्टिंग फाउंडेशन है, इसमें आके पार्टिसिपेट किया और कौन सा रैंक लेके आए? सर वैसे मैंने यहाँ खेला, काफी अच्छा लगा क्योंकि मेरा ये फर्स्ट नेशनल था, बट मेरे को मैंने खेला, काफी अच्छा खेला, बट मेरी फर्स्ट पोजीशन है। रीना, मैं बात करूँ, आप इस स्पोर्ट्स के अलावा और क्या करते हैं आप? सर स्पोर्ट्स के अलावा स्टडी करते हैं और क्या बोलते हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि अगर ये पावर लिफ्टिंग है तो सर इससे मतलब हमें इस गेम का बेनिफिट मिलना चाहिए, और बेनिफिट हमें गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है क्योंकि भर्तियाँ निकलनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब की। आप स्टूडेंट, अभी जैसे आपने कहा आप स्टूडेंट हैं और आपका एक गोल है कि मुझे इसके जरिए गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, आप उसके लिए फाइट भी कर रहे हैं, ऐसे कितने परसेंटेज ऐसा होता है कि आप उस गवर्नमेंट जॉब तक पहुँच पाते हैं? सर ऐसा है कि मेहनत तो कर रहे हैं हम, बट कुछ मतलब स्पोर्ट्स से हमें गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। वो थी हमारे साथ में रीना जो उत्तराखंड से आई थी। अब हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं जिनका नाम है दीपांशु और ये उत्तर प्रदेश से हैं। दीपांशु, कैसे हो आप? आप उत्तर प्रदेश से आए स्पोर्ट्स खेलने आए? जी सर। हाँ, लाउडली बोलना है। दीपांशु, आप यूपी में कहाँ से आए हैं? यूपी में मैं अमरोहा से हूँ। अमरोहा से हैं? यस सर। अगर मैं बात करूँ, कितनी उम्र है आपकी? 18। 18 साल के आप हो गए हैं। पावर लिफ्टिंग में क्या फ्यूचर देखा?
जॉब का फ्यूचर है इसमें और गेम के आगे अच्छा खेलने का फ्यूचर है। स्पोर्ट्स में आप आए हो, स्टूडेंट हो, इसके अलावा क्या कर रहे हैं आप? सर मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी में क्या, ग्रेजुएशन कर रहे हैं? बीएससी कर रहे हैं। तो फैमिली से कितना सपोर्ट मिल पा रहा है? फैमिली से 90%। अभी हमारे साथ हैं विवेक सिंह जो उत्तराखंड रुद्रपुर से हैं। अगर बात करें विवेक सिंह की तो विवेक सिंह एक बहुत ही निडर और हौसले वाले लड़के हैं। बात की जाए देखो ये थोड़े फिजिकल चैलेंज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके साथ में कहीं ना कहीं अपने सपनों को लेके पावर लिफ्टिंग में आए हैं। विवेक पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज आप यहाँ पे आए हैं जोर से और थोड़ा सा आपको पैर की से दिक्कत भी है, प्रॉब्लम भी है, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? पहले मैं चलता ही नहीं था, हमारे डॉक्टर साहब हैं बड़े लीडर, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, उसके बाद हमारे जो कोच हैं उन्होंने काफ़ी, यानी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सपोर्ट मिला और आप यहाँ तक आए। तो जैसे कई बार फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती होंगी तो कैसे एक्सेप्ट करते हो जाता है? एकेडमी की तरफ से, कोच की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है? काफ़ी सपोर्ट है, यानी एक परिवार की तरह। आज आप यहाँ पे आए हैं, मैंने देखा है जिसको थोड़ा सा भी कोई फिजिकली प्रॉब्लम होती है वो सीधा भीख मांगने लग जाता है, लोगों की तरफ आशाओं से देखता है कि मुझे कुछ दे, मुझे सपोर्ट करें, मगर आपने उस चैलेंज को तोड़कर खुद आप आगे बढ़े और एक चैलेंज लेके स्पोर्ट्स में आए हो और वो भी एक ऐसी फील्ड में, पावर लिफ्टिंग में। अपने जैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी अपनी मेहनत से आज मैं बात करूँ इस फील्ड में अपना क्या फ्यूचर देख रहे हैं? फिट रहेंगे तो अच्छा रहेगा, फिट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? सरकार से यही कहूँगा कि ये मतलब फील्ड एक ऐसा है जो फिट अच्छा रहेंगे काफ़ी। अगर मैं बात करूँ, आप जैसे बोल रहे हो, बोलने में थोड़ी लड़खड़ाहट है, दिक्कत होती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है? यहाँ इस चीज़ का दाग। पढ़ते भी हो? हाँ। क्या कर रहे हो? अभी टेंथ में, थोड़ा पहले चलते ही नहीं थे तो इसलिए खराब। उम्र कितनी हुई आपकी? उम्र 18 है। फैमिली में अगर बात करें तो आपके जो फादर हैं वो क्या करते हैं? वो क्वालिटी में क्वालिटी है। अगर मैं बात करूं, इस स्टूडेंट ने एक इतिहास रचा है। फिजिकल चैलेंज होने के बाद में लोग क्या करते हैं, अपने आप को बहुत पीछे धकेल लेते हैं और दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। उस चैलेंज को तोड़कर ये आगे आए और इन्होंने एक ऐसा सेक्टर चुना जो कहीं ना कहीं जो पूरी तरह फिट हैं वो इससे बचते हैं और ये उसको एक्सेप्ट करके यहाँ तक आए हैं। तो ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करें और इनसे कुछ सीखें। जब ये कर सकते हैं तो और आदमी क्यों नहीं कर सकते? और सरकार, जैसे इन्होंने कहा कि सरकार से भी मैं कुछ उम्मीद रखता हूँ कि फिजिकली प्रॉब्लम होने की वजह से मेरी एजुकेशन में लेट हुई, तो सरकार को भी ऐसे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन वैभव के साथ विनोद रस्तोगी, देश दिल्ली। अभी हमारे साथ है सत्य प्रकाश मैसी जी जो कि इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैसी साहब, अगर बात की जाए, आप 49 साल से बच्चों को एक भविष्य दे रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं जी। इस बार जो 26 राज्यों से बच्चे आए हैं और 600 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है जी, क्या लगता है कि उन बच्चों में कितनी जागरूकता आ रही है? जागरूकता तो बहुत आ रही है और हर कॉम्पिटिशन में बच्चे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें शरीक होते हैं और अपना जो मेहनत करते हैं उसका जौहर दिखाते हैं, जो कामयाबी भी हासिल करते हैं और उनको मतलब बहुत सारे लोगों को। अभी 2-3 साल से जब से हमारा फेडरेशन सस्पेंड था, उसके पहले हमारे दादा थे यहाँ पर मिस्टर सुब्रत दत्ता साहब, तो उनका जो ये आलम था कि उस समय में इतने सारे बच्चों को नौकरी मिली है कि हजारों की संख्या में बच्चों को नौकरी मिली है, जो कि कुछ रेलवे में है, कोई पोस्टल में है, कोई दूसरे विभागों में है, ऐसा कर बहुत सारे बच्चे पुलिस में हैं,
बहुत सारे बच्चे उनके समय के जो थे जो नेशनल इंटरनेशनल खेले उन्होंने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त किया और आज बड़े सुकून से हैं, उनका पूरा परिवार मतलब अच्छे से है और इसके चलते उनको मतलब पूरा फैमिली चल रहा है और बहुत खुश हैं हम लोग और आगे भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ समय के लिए ये जो है हम लोग का जो सस्पेंशन है वो रिवोक हो जाएगा और उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी और बच्चों को रोजगार मिलने लगेगा, अवार्ड मिलेगा और उनके उज्जवल भविष्य होगा। अगर बात करें इसमें अलग अलग राज्यों से बच्चे आते हैं, चयन प्रक्रिया क्या रहती है? देखिए हमारी चयन प्रक्रिया कई स्टेज से होकर गुजरती है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग चयन करते हैं, उसमें जो बेहतर बच्चे होते हैं उनको स्टेट लेवल पर भेजते हैं। स्टेट लेवल का कंपटीशन हर नेशनल कंपटीशन के पहले हर स्टेट ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज करने के बाद में उसमें जो बच्चे काबिलियत रखते हैं ऐसे बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है और उन बच्चों को फिर नेशनल भेजा जाता है और नेशनल में वो फिर अपना जौहर दिखाते हैं, उसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं तो उनको इंटरनेशनल के लिए तैयार किया जाता है। अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल जॉब की आती है सरकार की तरफ से कितना सपोर्ट किया है, कितना पसंद है? अभी तो दो तीन साल से जब से हमने बताया कि हमारा जो फेडरेशन है उसको कुछ शरारत जो शरारत करने वाले तत्व हैं, कुछ हमारा ही ग्रुप के लोग थे जो कि मतलब उसको इंटरनेशनल बॉडी से मिल के कुछ गड़बड़ किए और उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और हमारे रजिस्ट्रेशन को भी इफेक्टिव किए तो उनके लिए मतलब क्या कहते हैं उसकी वजह से अभी हमारे बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं और जब ये सारी मामला क्लियर हो जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ से हमको फिर से हमारा जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिवोक कर दिया जाएगा तो उसके बाद हमारे बच्चे इंटरनेशनल जाएंगे और इंटरनेशनल जब जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, पहले भी नहीं मिलता था अभी भी नहीं मिलता और हमारी ये उस समय जब जैसी परिस्थिति होगी तब हम गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से भी कि हमको कुछ मदद किया जाए इसके लिए। अगर बात की जाए इस समय भारत सरकार में मोदी जी आए हैं स्पोर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या लगता है सरकार इस तरफ कुछ ध्यान देगी? नहीं निश्चित रूप से देगी क्योंकि हर जगह पर और हर स्पोर्ट्स पे वो अपना अटेंशन दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छा खेलें और देश का नाम ऊंचा करें तो निश्चित रूप से उनको उम्मीद है कि उनसे मदद मिलेगी और हम लोग अपने बच्चों को उनकी मदद से और ज़्यादा बच्चों को इंटरनेशनल भेज पाएंगे। ये थे हमारे साथ सत्यप्रकाश और कुछ नहीं मेरे बारे में। जिस तरह सत्यप्रकाश जी ने बताया कि सरकार भी इसे प्रोत्साहन करती है करेगी, हम कुछ उम्मीद भी रखते हैं। अगर बात करते हैं सत्यप्रकाश जी, अगर हम बात करें आज आप इस फाउंडेशन को चला रहे हैं तो क्या लगता है किन परेशानियों का सामना करना? देखिए जहाँ पर कामयाबी होती है वहाँ पर परेशानी भी होती है और हर जगह सुख और दुख दोनों मिला रहता है तो हमको बहुत से ऐसे फेस आते हैं जहाँ पर डिफ़िकल्टीज आती हैं पर उसका हम लोग आपस में बैठ के अपनी चर्चा करके और हम जहाँ तक हमारा दिमाग चलता है उसका सलूशन ढूंढते हैं और नहीं तो फिर हम कुछ एक्सपर्टीज को भी से भी राय लेते हैं और उसके बाद में उसका सलूशन निकाल लेते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक IFS ऑफिसर रहा हूँ और मैं DFO रहते हुए, कंजर्वेटर रहते हुए, चीफ कंजर्वेटर रहते हुए बहुत सारी समस्याओं से मैं खुद भी जूझा हूँ क्योंकि मैं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी वहाँ पर और उस फील्ड में मेरे को क्या कहते हैं अपना ऑफिस का भी काम करना पड़ता था, अपने फॉरेस्ट का भी काम करना पड़ता था, फील्ड का भी काम करना पड़ता था, दुनिया भर की मीटिंगों में भी जाना पड़ता था, उसके बाद भी मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ता था क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन खुद रहा और मैंने मतलब क्या कहते हैं वर्ल्ड का मेडल लिया है, कॉमनवेल्थ का मेडल लिया है, एशिया का मेडल लिया है और उसके अलावा नेशनल और फॉरेस्ट इंटरनेशनल करके मैंने कम से कम 153 गोल्ड मेडल लिया है और 28 सिल्वर मेडल लिया है और 15 ब्रांस मेडल लिया है तो इसके लिए मेरे को बड़ा
कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था। जैसे मैं दौरा करके आ रहा हूँ, बाहर से आ रहा हूँ, जंगल से आ रहा हूँ, समय ज़्यादा हो गया है, उसके बाद भी मैं अपना प्रैक्टिस करता था और अपना होम जिम अपने साथ में लेके चलता था, क्योंकि मैं तो इंटीरियर में भी पोस्टिंग मेरी हुई है और वहाँ पर भी मतलब ऐसे ऐसे मेरे को टास्क फेस करने पड़े हैं कि जहाँ पर कोई जिम नहीं था। उसके बाद भी मैं अपना पर्सनल जिम लेके चलता था और रात के चाहे 10 बजे भी मैं दौरे से लौट के आऊँ तो पहले एक्सरसाइज करता था, उसके बाद खाना खाता था। आप खुद एक अधिकारी रहे हैं और पद पर भी रहे हैं, आप जानते हैं, अभी आपने खुद ने कहा कि मुझे कई बार कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा जी। आज ये जो बच्चे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस गेम में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, क्या लगता है उन बच्चों को कितनी सफलता मिलती है? देखिए, ऐसा है कि हर बच्चे को सफलता जरूर मिलेगी, कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो जिसके पास हुनर है उसके पास कामयाबी है, उसके पास उज्जवल भविष्य है, वो कामयाबी हासिल करेगा, उज्जवल भविष्य हासिल करेगा और वो अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपना अच्छा एक प्रदर्शन करके मेडल लेके नाम ऊंचा करेगा और हर किसी को उसके ऊपर फख्र होगा, यही हमारी उम्मीद है। सुंदर प्रकाश जी, मेरा आखिरी सवाल है, बहुत से बच्चे कई बार क्या है पार्टिसिपेट करने आते हैं मगर जो आगे चैलेंज देख के और मेहनत देख, कड़ी मेहनत देख कर भाग जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए ये कहूँगा कि जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, मगर इस अदा से कि रोद जमाना। तो अपने अंदर ये बात नहीं होना चाहिए कि एक बार यदि हम हार गए तो हमारा भविष्य गर्त में चला गया। हमको हारना नहीं, हमको बल्कि हौसला अफजाई करके जाना है यहाँ से, दूसरों को देख के जाना है कि हमको कैसे और अपने जौहर को निखारना है, अपनी प्रतिभा को कैसे और निखारना है और अपने अंदर वो डिटर्मिनेशन लेके जाना है कि इस बार मैं हार गए तो कोई बात नहीं, अगली बार इससे डबल मेहनत करके आऊँगा और जो मेडल मेरे को नहीं मिला है उससे ऊंचा मेडल लेके जाऊँगा। ये जज्बा अगर वो लेके जाएगा तो निश्चित कामयाब होगा और हर तरीके से वो अपना नाम और अपने देश का नाम ऊंचा करेगा। बहुत सही बात सत्यप्रकाश जी ने कि हारने वाले कभी चल नहीं सकते, अगर कामयाब होना है तो सीखना होगा, सीखेंगे तभी जीतेंगे। कैमरा पर्सन वैभव के साथ विनोद रस्तोगी, देसी दिल्ली।